हेलो दोस्तों, आज हम कंप्लीट हाउस वायरिंग कैसे करते हैं वीडियो एनिमेशन के द्वारा आपको मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में 1 BHK फ्लैट का वायरिंग करने वाले हैं। 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला वाला जो पार्ट है हॉल है, उसमें स्विच बोर्ड ले लेते हैं। सेकेंड वाला बेडरूम है, स्विच बोर्ड ले लेते हैं। और थर्ड वाला जो है वो किचन है, उसमें भी स्विच बोर्ड ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोल ले लेते हैं, सिंगल पेज एनर्जी मीटर ले लेते हैं। 2 पोल का MCB ले लेना है 1 क्वांटिटी, और सिंगल पोल MCB 4 क्वांटिटी ले लेना है लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हर एक रूम में LED बल्ब ले लेते हैं। और हॉल में और बेडरूम में 0 बल्ब ले लेते हैं। सीलिंग फैन ले लेते हैं 3 रूम में 1 क्वांटिटी। अभी ये पूरा इक्विपमेंट को वायरिंग कर लेते हैं। जो गवर्नमेंट की तरफ से पावर सप्लाई आता है, मीन्स इलेक्ट्रिक पोल में पोल से, तो इलेक्ट्रिक पोल से जो सप्लाई आता है फेज और न्यूट्रल, वो सीधा इनपुट एनर्जी मीटर को सप्लाई जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से जो फेज सप्लाई आया है, वो एनर्जी मीटर का 1 नंबर वाला टर्मिनल में जोड़ देना है, और 4 नंबर वाला टर्मिनल से फेज केबल निकाल के 2 पोल MCB का इनपुट टर्मिनल में जोड़ देना है, और 2 पोल वाला MCB का आउटगोइंग से निकाल के जो 4 MCB है सिंगल पोल वाले, उसमें कनेक्ट कर देना है। न्यूट्रल वाला केबल निकाल के सीधा एनर्जी मीटर का 2 नंबर टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है, और 3 नंबर वाला टर्मिनल से न्यूट्रल केबल निकाल के सीधा 2 पोल वाला MCB में जोड़ देना है। 1 नंबर का जो सिंगल पोल का MCB है, वहाँ से फेज सप्लाई उठा के हॉल का जो स्विच बोर्ड है उसमें कनेक्ट कर देना है। हर स्विच को सप्लाई लूपिंग कर देना है, वहाँ से रेगुलेटर को दे देना है, रेगुलेटर से सीधा फैन को सप्लाई जाएगा। सेम 2 नंबर स्विच से LED 0 बल्ब को सप्लाई जाएगा, और 3 नंबर बल्ब से LED जो बल्ब है उसको सप्लाई दे देना है। और जो कॉमन वाला ब्लैक केबल है वो हर एक लोड को कॉमन कनेक्ट कर देना है। 2 नंबर वाला जो सिंगल पोल MCB है, वहाँ से सप्लाई लेके सीधा बेडरूम का जो स्विच बोर्ड है उसमें कनेक्ट कर देना है। हर एक स्विच को लूपिंग कर देना है, लिंक डाल देना है वायर का। सेम वहाँ से 1 नंबर वाला स्विच से रेगुलेटर को सप्लाई दे देना है, और रेगुलेटर से सीधा फैन को सप्लाई कनेक्ट कर देना है। 2 नंबर वाला स्विच से सीधा LED 0 बल्ब को सप्लाई दे देना है, और 3 नंबर वाला जो स्विच है वहाँ से LED बल्ब को सप्लाई दे देना है। सेम न्यूट्रल वाला केबल हर एक लोड को कॉमन कनेक्ट कर देना है, लूपिंग कर देना है। तीन नंबर वाला जो सिंगल पोल MCB है, वहाँ से सप्लाई फेस सप्लाई लेके सीधा अपना किचन का बेडरूम में, बेडरूम का जो स्विच बोर्ड है वहाँ पे कनेक्ट कर देना है। रेगुलेटर को सप्लाई दे देना है, रेगुलेटर से सीधा फैन को सप्लाई चला जाएगा। 2 नंबर स्विच से जो LED बल्ब है किचन का उसको सप्लाई दे देना है, और 3 नंबर स्विच से जो सॉकेट है सॉकेट को सप्लाई दे देना है। और सेम न्यूट्रल वाला वायर हर एक लोड को कॉमन कनेक्ट कर देना है। जो 4 नंबर का MCB है, वो जो अपना वॉशिंग मशीन का स्विच बोर्ड रहता है 16 एम्पीयर का, उसको सप्लाई दे देना है स्विचेस को। और 2 नंबर का स्विच से वॉशरूम में जो LED बल्ब बिठाया है उसको सप्लाई दे देना है, और न्यूट्रल वाला केबल सेम कॉमन सप्लाई दे देना है। फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर कीजिए, और मुझे सपोर्ट कीजिए। सेम ऐसा ही अर्थिंग केबल, सेम अपना जो स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड का सॉकेट में जो अर्थिंग का टर्मिनल है उसमें कनेक्ट कर देना है। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।